वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ इंस्टा में आपको वेलकम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत मजे के चने वाले वाइट चने वाले राइस। तो उसके लिए जो मैंने सामान लिया, इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी नहीं डलेगा क्योंकि ये वाइट राइस बना रही हूँ मैं। 2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया है, सॉरी 1 टीस्पून रेड चिलीज जो मैंने ली हैं। ये मैंने तकरीबन 15 से 20 मैंने छोटी वाली ली है, ग्रीन चिली और एक मैंने रेड चिली ली है बड़ी वाली, उसको कट कर लिया और एक बड़ी वाली ली है मैंने ग्रीन। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 2 टेबलस्पून, 1 अनियन लिया मैंने नॉर्मल साइज का, 1 टमाटर लिया नॉर्मल साइज का, इसके छिलके और बीज मैंने उतार लिए, और 350 मैंने लिए ग्राम मैंने लिए चने, और तकरीबन 3 पाव के करीब 750 मेरे पास राइस है, और सॉल्ट जो है वो मैंने लिया जो ऑयल है वो मैंने लिया तकरीबन 350 ml। तो अब मैं इसके अंदर जो है डालूंगी सॉल्ट के प्याज, और इसको हम पहले कर लेंगे रेड, बहुत ज्यादा रेड नहीं करना है, वाइट रखना है क्योंकि हम वाइट राइस बना रहे हैं। तो हम हल्की आंच पे इसको होने देते हैं, फिर दोबारा से इसको देखते हैं। हाँ जी, प्याज हमारे हो रहे हैं। तो ये मैंने साबुत जो है वो गर्म मसाले लिए हैं, 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 1 मैंने बादियान का फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1.5 टेबलस्पून जीरा साबुत जीरा, 4 से 5 जो है वो तकरीबन 6 लगा लें लौंग, और 20-25 के करीब मैंने ली हैं साबुत काली मिर्चें। तो ये थोड़े से प्याज होते हैं, तो साथ हम इसके अंदर ये साबुत गर्म मसाले भी डाल देंगे क्योंकि जब फ्राई होंगे तो बहुत मज़े के लगते हैं ये। 1-2 मिनट जो है हम इसको देखेंगे, फिर हम इसके अंदर जो है साबुत गर्म मसाले ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो इसके अंदर ये हम साबुत मसाले डाल देंगे, इनको भी साथ हम फ्राई कर लें तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। पानी जो है वो हमने राइस के मुताबिक लेना है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि राइस अगर आपके पुराने हैं तो पानी ज़्यादा लगेगा, अगर राइस नए हैं तो पानी कम यूज़ होता है। तो मैं तकरीबन इसके अंदर जो है वो 3 ग्लास मेरे राइस थे और 3.5 ग्लास मैं पानी लूँगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि ये वाइट चना वाला राइस है, तो हम ज़्यादा इसको रेड नहीं करेंगे। इसके साथ जो है मैं टमाटर डाल दूंगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, इनको भी हम भून लेंगे। ऊपर कर दी ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आए। चने जो है वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे, चनों को आप बॉईल कर लें और जो उसका पानी है जिसमें आप बॉईल करें वही पानी आपने राइस के अंदर डालना है, वो पानी वेस्ट नहीं करना है। अगर कम रहे तो आप दूसरा पानी अंदर और ऐड कर दें, तो अगर पूरा है तो वही डालें आप, लेकिन उसको वेस्ट नहीं करना है। ये ग्रीन चिली सारी मैंने डाल दी अंदर, और ये ब्लैक पेपर सॉल्ट और वाइट पेपर ये हमने डाल दिया। इसको हम मसाले को थोड़ा सा होने देंगे, फिर उसके बाद इसको चने डाल के हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अंदर 1/2 कप ताकि इसके जो प्याज हैं वो प्रॉपरली गल जाएं। ये तो हम अपने मसाले को चेक कर लेते हैं। हमारा मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हो रहा है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी। तो आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले मैंने अचारी चने वाला पुलाव बनाया था, आज मैं वाइट चने वाला वाइट राइस वाला पुलाव बना रही हूँ। वो बहुत स्पाइसी था, ये बिल्कुल ग्रीन चिली वाला है और ब्लैक पेपर वाला है। तो राइस चने आपने इतने बॉयल करने हैं तो थोड़े से कच्चे रहे, बहुत ज़्यादा आपने उनको पका नहीं देना है। अब हम इसके अंदर जो है 3.5 जो है वो हम डाल देंगे पानी का ग्लास, 3 ग्लास था मेरा पानी का और 3.5 ग्लास मेरे राइस के थे,
3.5 ग्लास जो है मैं पानी के डालूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से उनको भिगोया हुआ है। तब हम पानी डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो पानी हमने डाल दिया। अब जैसे ये पानी बॉईल होता है तो हम इसके अंदर मैं राइस जो है वो पानी निकाल लेती हूँ, वो हम अंदर ऐड करेंगे। पानी हमारा हो चुका, अब हम इसके अंदर जो है वो राइस ऐड करेंगे और ये सारे हम राइस डाल लें, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, अब हमने राइस डाल दिए, इनको हम हिला के तो हम पानी ड्राई होने के लिए जब तक राइस पकते हैं हम छोड़ देते हैं। इस स्टेज पे आप 7 नमक अपना चेक कर दें, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और डाल दें, क्योंकि जब मैंने चने बॉईल किए थे उसमें भी मैंने 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाला था, तो इसमें भी 1.5 टीस्पून मैंने डाला है, तो मेरा इनफ आई थिंक होगा। आप अपना जो टेस्ट के मुताबिक नमक डालें जी। तो हम राइस को ज़रा देखें कि इसकी क्या पोजीशन है। राइस का पानी जो है वो तकरीबन हमारा ड्राई हो गया, तो अब हम इसको बिल्कुल इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे, इसका नमक चेक कर लेंगे, कम है तो और डाल देंगे, सही है तो नहीं डालेंगे। नमक बिल्कुल ठीक है, हम इसको पानी को ड्राई करेंगे और फिर जो है हम इसको दम लगाते हैं। हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो फिर मुझे दुआ में याद रखें। और देखिए जी, 1-2 मिनट और रखेंगे और इसका पानी ड्राई हो जाएगा। जी, तो हमारा पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको लगा देंगे दम और फिर हम 15 से 20 मिनट के बाद हम दम को उठाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे। जी, तो हम अपने राइस को चेक करते हैं, तो राइस हमारे माशाल्लाह से दम लग चुका है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है हमारे राइस रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो हमारे बहुत मज़े के बहुत टेस्टी जो है वाइट चना राइस जो रेडी हैं। आप इनकी लुक चेक करें, कितनी माशाल्लाह से अच्छी इसकी लुक आई है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें, आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए किस तरह खिले खिले राइस हैं और ये कितने कलरफुल हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।